देखिए कितना जबरदस्त बनकर रेडी हो गया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं स्नेहा, स्नेहा कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सत्तू का लिट्टी। सत्तू का लिट्टी बनाने के लिए हमने ये जितना बनाना है हमें उतना हमने आटा ले लिया है। उसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, हाफ स्पून पहले कलौंजी ले लेते हैं, फिर हाफ स्पून हम अजवाइन ले लेंगे, उसे हम हाथों पे क्रश करके डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे 1 से 2 स्पून के आसपास वाई और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से इस तरह से करते हुए हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम हल्का गर्म पानी धीरे धीरे डालकर इसे आटे के डो के जैसा लगा लेंगे। जिस तरह से थोड़ा सा आटा रोटी के जैसा नहीं लगाना है, जैसे हम पराठा का आटा थोड़ा सा हार्ड लगाते हैं ना, उस तरह से इसे भी हम हार्ड लगा लेंगे। ये थोड़ा थोड़ा ही पानी, एक बार में पानी डालने से हो सकता है गीला भी हो जाए, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे आटा लगा लेते हैं। ये हमने आटा लगा लिया है, देखिए कितना हार्ड है। इसी तरह से इसका आटा हमें लगाना है। अब चलते हैं इसका सत्तू बना लेते हैं, जो इसमें स्टफिंग भरेंगे हम उसका सत्तू बनाएंगे। सत्तू बनाने के लिए हमने इतना हमने बारीक में काट लिया है धनिया पत्ता, 2 हमने ओनियन को बारीक में काटा है और ये हमने 2 से 3 हरी मिर्च को हमने बारीक में काट लिया है। ये 10-12 लहसुन की कलियाँ थी उसे भी हमने कद्दूकस कर लिया और ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा उसे भी हमने कद्दूकस कर लिया है। अब हम ले लेंगे, ये हमने 250 ग्राम सत्तू लिया है, उसमें हम ये सारे सामान को सब्जियों को मिला लेंगे। इसे हम मिला लेते हैं। और इसमें हम अब डालेंगे 1 स्पून के आसपास सरसों का तेल, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, हाफ स्पून कलौंजी, हाफ स्पून अजवाइन, इसे हम ऐसे कस करके डालेंगे। और ये हमने ले लिया है 5 से 6 अचार, आम का अचार लेंगे। अगर आम का अचार आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह नींबू भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसे अब हम मिक्स कर लेते हैं, इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे हल्दी पाउडर, 1/4 हमने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है। अब इस सारे मसाले को हम मिक्स कर लेते हैं। अचार का आठी जो है, ये जो होता है इसका बीज होता है, उसे हम हटा देंगे। इस तरह से इसे मसलते मसलते ये अलग हो जाएगा तो उसे हम निकाल लेंगे। इस तरह से हम मिलाकर तैयार कर लेते हैं। ये हमने सत्तू को अच्छे से मिला लिया है और इसे हम एक बार चख कर देख लेंगे, जबकि नमक है नहीं है, उसके बाद इसे हम रख देंगे। ये देखिए हमारा सत्तू इस तरह से अगर मुट्ठी बन रहा है तो ये सही है। इसमें हमने पानी नहीं डाला है, बिल्कुल पानी नहीं डाला है। इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डाला था ना, उसी से ये इतना अच्छा से हम इसे मिक्स किए तो ये ऐसे इस तरह से बंधने लगा है। अगर हमारा रेसिपी आपको पसंद आता है तो एक लाइक कर दें और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। और कैसा लगा हमारा रेसिपी वो एक कमेंट में एक ज़रूर बताएं और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारा न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसे हम अब बना लिए हैं, अब चलते हैं सत्तू इसका लिट्टी इसका आटा का लोई बनाकर इसे हम भर लेते हैं। ये हमने आटा को थोड़ा सा अच्छे से इस तरह से हमने कर लिया है और इसे हम लोई, जिस साइज को हमें लिट्टी बनाना है उस साइज का हम इसे लोई बना लेते हैं। सारा लोई पहले बना लेंगे, उसके बाद एक साथ भरते चले जाएंगे।
ये हमने लोई तैयार कर लिया है। अब इसे हम इस तरह से कटोरी के शेप में बनाएंगे और इसमें हमें जो फिलिंग हमने भरा है बनाया है उसे हम इसमें फिल कर लेंगे। इसे इस तरह से दबाते हुए, आपको अगर कम पसंद है तो कम, ज़्यादा अगर पसंद है तो ज़्यादा दब डालकर इसे हम इस तरह से गोल गोल करते हुए भर लेंगे। इसे इस तरह से बनाकर इसे आगे जो रहेगा उसे दबा देंगे और इसे फिर हम इस तरह से गोल कर लेंगे। इसे गोल करने के बाद इसे अब हम रख लेते हैं। अब सारे लिट्टी को हम इसी तरह से भर लेते हैं। ये हमने सारे लिट्टी को भरकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे साइड में रखते हैं, आप चलते हैं आग जला लेते हैं। इस तरह से हमने इसे आग लगा लिया है और इसे जब इसका थोड़ा सा धुआं कम जाएगा तो इसे फैलाकर हम इस पर इसका जो लिट्टी हमने भरकर तैयार किया है उसे इस पर डाल लेंगे। ये इसका धुआं ख़त्म हो गया है। इसे इस तरह से हमने आग को थोड़ा थोड़ा छूर लिया है। अब इस पर थोड़ा थोड़ा सा पानी छिड़क देंगे ताकि लिट्टी जले नहीं। इस तरह से हम छिड़क लेंगे और अब हम इस पर लिट्टी डाल लेंगे एक एक करके। ऐसे तुरंत तुरंत फिर पलटना होगा, नहीं तो फिर एक तरफ से जल जाएगा। इस तरह से हम सारे लिट्टी को डाल लेते हैं। इस तरह से हमने सारे लिट्टी को डाल लिया है और तुरंत तुरंत से पलटते जाएंगे, नहीं तो फिर जलता जाएगा, एक तरफ से जल जाएगा और एक तरफ से कच्चा रह जाएगा। इसके लिए हम थोड़ा आराम आराम से इस तरह से, हाथ जले नहीं, हाथ को भी बचाना है और इसे भी पलट लेना है। इस तरह से सारे लिट्टी को हम पलटते जाएंगे। इसी तरह से हम पलट पलट के सभी को पका लेते हैं। ये देखिए हमारा लिट्टी लगभग पक गया है, थोड़ा बहुत और लगेगा, उसके बाद इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा लिट्टी पूरा हो गया है। अब इसे हम एक बर्तन ले लिए, उसमें रख के कपड़ा पे इसे डाल देते हैं। अब इसे हम पूरा एक साथ समेट के और इसे अच्छे से इस तरह से इसे इस तरह कर लेंगे ताकि इसका जो भी लगा हुआ है ब्लैक ब्लैक जो हमने आग लगाया था उसका वाला, तो उसका निकल जाएगा। इसे हम निकाल लेते हैं इस तरह से कर करके। ये देखिए हमारा सारा इसका जो ब्लैक ब्लैक था वो निकल गया है। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। ये देखिए हमने इसे बर्तन में ले लिया है और इसमें हम डालेंगे घी। इस तरह से हम घी डाल लेंगे और इसे इस तरह से मिला लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरह से बनाते हैं। तो अगर हमारा रेसिपी आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारा न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। इसे हम इस तरह से मिला लेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बनकर रेडी हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।